हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू अपडेट यूजिंग यूज म्यूटेशन हुक इन रिएक्ट क्वेरी। क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको जल्दी से विद एग्जांपल समझाता हूँ एंड देन हम इसको वन बाय वन करते हैं, ठीक है। तो इतना तो याद है कि हम रिएक्ट क्वेरी के साथ काम कर रहे हैं। हमने ये ऑसम API के थ्रू डेटा गेट की, हमने देखा हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, यूज़ क्वेरी वर्सेज यूज म्यूटेशंस, पेजिनेशन सब कुछ देख लिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपडेट वाला जो फंक्शनैलिटी वो भी दिखाऊँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मुझे लेट्स से इसको अपडेट करना है। यू कैन सी यहाँ पे, अब आप देख सकते हो कि लाइक वी हैव दिस पर्टिकुलर कार्ड एंड हे वी हैव दिस टाइटल। ये जो दिख रहा है ये आपका एक टाइटल है, ठीक है। सो द मोमेंट मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, बूम गाइस, इससे आप देख सकते हो कि हमें पूरा कंप्लीट डेटा एंड किस आईडी नंबर को मैं अपडेट करने जा रहा हूँ वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑल्सो ओवर हियर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो थोड़ी देर पहले कुछ था आई हैव अपडेटेड करके, मुझे वो टाइटल चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हम रिएक्ट क्वेरी में विद द हेल्प ऑफ यूज म्यूटेशन हुक कैसे कर सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अभी तक अगर आपने अपने रिएक्ट वर्जन 19 जो कि अभी तक ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुआ है, ये RC स्टेज पे है, तो इसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। एंड एट द एंड वी हैव दिस रिएक्ट 10 स्टैक क्वेरी या रिएक्ट क्वेरी कह लीजिए, इसका जो अपना सीरीज है उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के भर भर के शेयर, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा कि सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं हमारा जो api.jsx फाइल है जहाँ पे बेसिकली हमने अपना इंस्टेंस बना रखा है विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस, तो ये डेटा को फेच करना है विद पेजिनेशन। ये था अपना कैसे आप इंडिविजुअल डेटा को गेट कर सकते हो, कितना कुछ हमने किया यार। हाँ ये तो मैं दिखाने ही भूल गया था कि यहाँ पे अगर हम किसी पे भी क्लिक करते तो पूरा इंडिविजुअल डेटा भी हमें मिलता है, बहुत कुछ हम कर चुके। तो ये था कल का डिलीट, ये डिलीट वाले को ही गाइस मैं कॉपी करूँगा, अपडेट में मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डिलीट पोस्ट आई विल गो विथ अपडेट पोस्ट इस तरीके से, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली वी हैव इधर पुट और पैच एंड फॉर द टाइम बींग मैं नहीं चाहूँगा इतना आप सोचो, जो आपको मन में लगा दो। एक काम आता है आपका फॉर इंडिविजुअल डेटा को आप लाइक अपडेट कर सकते हो एंड दूसरे में आप कंप्लीट डेटा अपडेट कर सकते हो। फॉर द टाइम बींग नाउ मैं अभी पैच के साथ चलूँगा एंड सी। अब होता क्या है ना कि हम HTTP मेथड्स के साथ खेलते हैं, अगर आपको डेटा गेट करना हो या पाना हो तब हम गेट यूज़ करते हैं API.get, अगर आपको कुछ क्रिएट करना हो है ना तब हम पोस्ट यूज़ करते हैं, कुछ डिलीट करना हो देन हम यूज़ करते हैं डिलीट, एंड फॉर अपडेट उन्होंने डॉट अपडेट करके तो कुछ बनाया नहीं है बट हम पुट या पैच आप दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हो, तो इस तरीके से है। एंड API को जब हम क्रिएट करते हैं या जब भी कोई क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट उन्होंने बनाया ऐसे है कि ठीक है ओके ये आपका API का एंड पॉइंट है / अगर जिस भी ID को आप पास कर रहे हो वो ID अगर मैच होता है तो उस पर मैं मेरा जो टाइटल होगा उसको मैं अपडेट करना चाहूँगा, आई हैव अपडेटेड या आई हैव अपडेट्स, तो आई हैव अपडेटेड इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। कुछ भी आप लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। तो सिंपल हमारा जो API हमें क्रिएट करना था वो हो चुका है, ठीक है। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरे एक्चुअल API में डेटा तो अपडेट हो जाएगा बट सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। अब हमें क्या करना है इसको हमें ध्यान में रखना है, एंड हमने यहाँ पे एक ID पास की हुई है, ठीक है, कि यूज़र ने किस कार्ड को क्लिक किया उसका ID हमें लेना जरूरी है। सो अब here we have a function mutation function, and if you really don't know the difference between use query hook and use mutation hook then I highly recommend please previous video ko check out kijiyega. Funda bas itna hi hai, use query hook aapka kaam aata hai over here, use query taki aap data ko get karo, and baki ke teen jo hota hai create karna, update karna, delete karna, here we use the use mutation hook. To ye jo part hai isko hi main copy karunga and is jagah pe jahan pe hame update karna hai main post kar dunga. So sabse pehle instead of delete वी विल गो विथ अपडेट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सो यूज म्यूटेशन हुक एज इट इज रहेगा, इसमें एक कंपल्सरी प्रॉपर्टी जो आपको पास करना पड़ता है दैट इज नथिंग बट योर म्यूटेशन फंक्शन, एंड म्यूटेशन फंक्शन में आपको वो फंक्शन को कॉल करना है जिसको आप बेसिकली जिसकी मदद से आप अपडेट कर रहे हो अपने API को, राइट, या डेटा अपडेट कर रहे हो। एंड आवर केस दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज आवर अपडेट पोस्ट, तो वो जो अपडेट पोस्ट है मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अपडेट पोस्ट को मैंने पेस्ट कर दी एंड मैंने एक ID पास कर रखी है यहाँ पे। फॉर द टाइम बींग नाउ आई नो ये ID का हमें कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से हमें मिल रहा है, बट जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय वो जो ID है मैं वहाँ पे तब पास कर दूंगा। बट अभी एटलीस्ट इतना समझना है यूज म्यूटेशन हुक में आपको कंपलसरी है म्यूटेशन फंक्शन को पास करना एंड उसमें उस फंक्शन को कॉल करना जिसको आपने डिफाइन किया होगा कि भाई ये चीज़ है इसको आप अपडेट कर देना API में बोल के,
तो ये सिंटेक्स है सिंपल, ठीक है। अब इतना अगर आप करते हो ना तो आपका काम हो जाता है, एपीआई में आपका डेटा अपडेट हो चुका होता है। बट इन रियलिटी हमें एपीआई में थोड़ी कुछ अपडेट करना है, हमें तो यहाँ पे भी तो आई मीन एपीआई में तो ऑब्वियसली करना ही है, बट साथ ही साथ हमारा जो यूज़र इंटरफेस है जो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ओवर हियर ऑल्सो वी नीड टू अपडेट दैट पर्टिकुलर, जो भी टाइटल होगा ना जिस भी कार्ड को हम क्लिक करेंगे तो इस ये पर्टिकुलर लाइन को हमें अपडेट करना होगा। तो उसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आप नोटिस करना जब आप रिएक्ट क्वेरी यूज़ करते हो आपका जो डेटा है वो आपको एवरी टाइम सर्वर से नहीं हम फैच करते, आई मीन दो वी फैच्ड, लेकिन होता ये है कि कैच हमारा जो लोकल कैच है वहाँ पे वो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, तो भाई वो डायरेक्टली वहाँ से फैच कर लेता है, ठीक है। सो हमें हमारे यूज़र इंटरफेस पे अगर डेटा को अपडेट करना है, इट मींस आई नीड टू गेट दी एक्सेस हमारे लोकल एक्सेस आई मीन लोकल कैश का, एंड वो तो हम कल के वीडियो में देख ही चुके हैं, विद दी हेल्प ऑफ व्हाट, विद दी हेल्प ऑफ क्वेरी क्लाइंट डॉट सेट क्वेरी डेटा, ठीक है। मैंने पूरा पीपीटी की मदद से भी बताया था, बट हाँ ये हमें कब कैश को आई मीन कब लोकल कैश का डेटा हमें एक्सेस करना है, जब हमारा ये जो अपडेट है एक्चुअल एपीआई में अपडेट हो जाता है, तो उसके लिए वी हैव अ वन कॉल बैक हुक, एंड आई मीन नॉट अ हुक बट वन कॉल बैक फंक्शन, दैट इज योर ऑन सक्सेस, ठीक है, मेथड भी आप कह लीजिए जो भी कहना है कह लो इसको, बट इट्स योर कॉल बैक। सो ऑन सक्सेस में वी हैव टू राइट दिस वे, कॉल बैक फंक्शन है ना, इस तरीके से सिंपल। तो यहाँ पे आपको दो डेटा पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है बेसिकली जब आप एपीआई को कॉल करते हो ना, इस तरीके से जब भी आप कॉल कर रहे हो बेसिकली डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी डेटा आप पास करते हो वो आप इस फर्स्ट आर्गुमेंट, ये आप पैरामीटर कह लीजिए फिलहाल अभी इसको, ये जो आपका पहला पैरामीटर है यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं API एंड देन डेटा कर देता हूँ, इससे अब आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हो डेट इज़ ऑन सक्सेस का, ये आपका कॉल बैक है, एंड नो मैटर वॉट जब आप फर्स्ट पैरामीटर पास करते हो तो उसमें आपने जब इस API को जब आप डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे आपने कौन कौन सा डेटा पास किया है वो अब आप यहाँ पे फेच कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसी डेटा को ही तो अपडेट करना है ना, यही टाइटल मुझे अपडेट करना है यहाँ पे, तो मुझे वो टाइटल चाहिए तो मुझे ये यहाँ से मिलेगा। अब ये जो ID जो सेकेंड पैरामीटर है आपका, अब ये पता क्या होता है, जब आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे तब उस समय अगर आप यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट जो जो डेटा पास कर रहे हो तब वो आपको अब यहाँ पे मिलेगा इस जगह पे। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पोस्ट एंड इसको मैं ID कर देता हूँ, इससे ये पता चलेगा कि हम जब फंक्शन कॉल कर रहे उस समय का जो डेटा है वो मुझे अब यहाँ पे मिलने वाला है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमने फैट एरो फंक्शन लगाया, वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस, देन ये जो पर्टिकुलर कोड है ये काम करता है टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर लोकल कैश फॉर विच क्वेरी, हमें कौन से क्वेरी के लिए लोकल कैश को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको ये इस तरीके से, क्योंकि यही तो है ना तरीका क्वेरी की हम कैसे लिखते हैं, देखो ना ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है इसका मुझे डेटा को एक्सेस करना है, सो डेट्स वाई इसको डिट्टो कॉपी की हमने, ओवर हियर हमने पेस्ट कर दी, देन कॉमा, कॉमा देना जरूरी, एंड देन अगेन वी हैव अ फैट एरो फंक्शन, सिंपल। एंड ये जो फैट एरो फंक्शन है यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कोड आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे करंट एलिमेंट ना लिख के मैं लिख दूंगा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डेटा। तो बेसिकली जितने भी डेटा है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर, जितने वो 100 डेटा है, पूरा का पूरा डेटा मुझे यहाँ मिलेगा, कॉपी करूँगा, रिटर्न ये मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अगर डेटा हमारे पास है तो इस पे फिल्टर मेथड चला के जो भी डेटा होगा उसको डिलीट कर दो, ये कल के वीडियो का था, बट आज तो हमें डिलीट नहीं करना है, वी नीड टू अपडेट दी टाइटल, राइट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब यहाँ पे हम फिल्टर मेथड यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज फिल्टर का काम है कि जो चीज़ मैच करता है उसको वो रिटर्न करता है, लेकिन मुझे तो सारे के सारे डेटा को रिटर्न कराना है, एंड सिर्फ और सिर्फ जो मैच हुआ उसको अपडेट करना है, राइट। 100 में कोई एक आप डेटा को अपडेट करो, बाकी सारे 99 भी चाहिए, फिल्टर यूज़ करोगे आपको सिर्फ वही एक मैच वाला मिलेगा। सो सबसे पहले एक काम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं पूरा यही हटा देता हूँ, ठीक है। सो डॉट मैप मेथड, एंड मैप मेथड कुछ हम इस तरीके से करते हैं, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर मैप मेथड, इट विल बी इक्वल टू गाइस योर पोस्ट ID, ठीक है। अब आई नो आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, यार ये पोस्ट ID क्या चीज़ है, ये इसमें हमें कौन सा डेटा मिल रहा होगा, डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से लेके कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे चल के ये जो आपका API का डेटा है, एंड देन योर दिस पोस्ट ID जो भी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो पार्ट है अपडेट म्यूटेशन, अब ध्यान से देखिए ये जो पर्टिकुलर बटन है यहाँ पे, जब भी हम कल की वीडियो में बेसिकली डिलीट कर रहे थे यार ओवर हियर, राइट। तो इसी को मैं करता हूँ कॉपी, अब डिलीट के बदले मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट म्यूटेशन, ठीक है। तो इतना पार्ट में हटा रहा हूँ, आई विल गो विथ अपडेट म्यूटेशन, ठीक है।
एंड डॉट म्यूटेट ये फंक्शन हमें कॉल करना है एंड उसमें हम एक आर्गुमेंट पास करें एंड दैट इज नथिंग बट आवर आईडी कि यूजर ने किस कार्ड पे क्लिक किया है. तो ये जो आईडी है वो ये आईडी है. तो एक डाउट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया स्टार्टिंग में कि भाई ये आईडी आखिरकार मिल कहाँ से रहा है. तो वो आईडी आपको यहाँ से मिल रहा है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये जो API का डेटा है इसमें हमें कौन सा डेटा मिलता है एंड देन ये जो पोस्ट आईडी इसमें मुझे क्या डेटा मिल रहा है. ये एक बार आपको दिख जाएगा समझ में आ जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. ठीक है, सो द मोमेंट मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ वन सेकेंड राइट नाउ बोता लाइक डिलीट डिलीट इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से अपडेट. ठीक है, ऑलराइट. सो द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस सी देखो मुझे डेटा आ गया. जो डेटा मुझे आया है अगर आप गौर से देखोगे तो मुझे दो डेटा आया है. एक तो ऑब्वियसली मेरा API का डेटा आया है मुझे एंड दैट इज़ दिस पार्ट इतना ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज़ माय API का डेटा. एंड ये जो एक डेटा दिख रहा है सिर्फ एक छुटकू सा एक लिखा है जो वो आपका है नॉर्मल पोस्ट आईडी वाला डेटा. तो ये जो API का डेटा अगर आप इस पर गौर से देखोगे सो वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली डेटा करके है जिसमें अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो टाइटल है इन आवर API दैट इज चेंज्ड. आप देख सकते हो टाइटल में आई हैव अपडेटेड वो ऑलरेडी वहाँ पे अपडेट हो चुका है. इट जस्ट नाउ वी नीड टू अपडेट दैट टाइटल इन आर यूजर इंटरफेस. तो हमें अपने यूजर इंटरफेस पे उसको अपडेट करना है. एंड ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है ओवर हियर तो ये वन क्या है आपका, ये वो वन है जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड उस समय आप कौन से आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलती है. लेट्स से आप भी तो आपने सिर्फ आईडी पास किए, यू नो आईडी पास किए से मेरा मतलब है ओवर हियर इस जगह पे तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्या पास किए आईडी पास की है राइट. तो आईडी कॉमा अगर आप कुछ और डेटा भी पास करते तो वो वहाँ पे दिख जाता है वन कॉमा वो सारी डेटा. तो इससे आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो एंड दैट इज जब भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एंड जब आप कोई आर्गुमेंट पास करते हो तो वो डेटा जो है ये जब आप ऑन सक्सेस कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हो जो सेकेंड पैरामीटर है वहाँ पे वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो एंड जो फर्स्ट पैरामीटर है वहाँ पे API जब आप कॉल कर रहे हो बेसिकली डिफाइन कर रहे हो एंड उस समय आप कौन कौन से डेटा को लाइक पास कर रहे हो. ठीक है, तो वो डेटा आप इसकी मदद से गेट कर सकते हो. आई होप ये क्लियर हो गया. अब देखिए अब सिंपल है तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है राइट. वी हैव दिस क्वेरी क्लाइंट डॉट सेट क्वेरी डेटा टू एक्सेस दी कैश डेटा फॉर विच क्वेरी की हमारे इस वाले क्वेरी की के लिए. ठीक है, तो उसके बाद फिर एक फैट एरो फंक्शन है. अब यहाँ पे ये जो पोस्ट डेटा है ना तो इसको आप ये समझ लीजिए कि जब हम इस क्वेरी की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जितना भी हमारा API का डेटा है वो मुझे अब इसकी मदद से मिलता है. तो बेसिकली इसमें वो सारा API का डेटा आ गया पूरा 100 का 100 जो पोस्ट है मुझे यहाँ पे मिल रहा है. तो मैंने क्या कि इसको मैंने लगाया मैप मेथड. सिंपल राइट, फिल्टर यूज़ नहीं करना है, वी नीड टू यूज़ द मैप मेथड एंड देन इस तरीके से मैंने ये लगा दिया कि ठीक है करेंट पोस्ट जो 100 पोस्ट है एक वन बाय वन चेक होगा. तो जो सबसे पहला वाली की आईडी यूजर ने जिस पे क्लिक की थी उस आईडी से अगर मैच कर गया या बेसिकली जो भी नंबर का आईडी मैच कर गया तब हम एक ऑब्जेक्ट करेंगे. मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर. मैं ये बोलूँगा कि ठीक है मेरे जो भी करेंट पोस्ट है एज इट इज़ रखिए. मेरा बेसिकली करेंट पोस्ट के अंदर वी हैव टोटल 4 प्रॉपर्टीज, सबको एज इट इज़ रखिए. लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर आपको ऐड करना हो नॉट ऐड लाइक अपडेट करना तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो. एंड वो मैं कैसे करूँगा, API डेटा डॉट डेटा मैंने दिखाया ना डॉट डेटा के अंदर भी टाइटल करके है वहाँ पे मुझे वो मिल रहा है. एंड अगर वो आईडी मैच नहीं करता है देन कीप माई करेंट पोस्ट एज इट इज़, कुछ करने की नीड नहीं है. 100 में से कोई एक तो मैच करेगा एंड जो भी मैच करेगा उसके अंदर की जो भी प्रॉपर्टी एज इट इज़ रखो लेकिन टाइटल को इस पर्टिकुलर डेटा से अपडेट कर देना, बाकी सबको एज इट इज़ रख देना. सिंपल, बस यही है आपका सिंपल सा अपडेट विद द हेल्प ऑफ यूज म्यूटेशन हुक. अब अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस सी देखो आई हैव अपडेटेड ओवर हियर एंड वी ऑल्सो गेट द सेम रेस्पॉन्स फ्रॉम हियर ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप अपडेट का यूज़ कर सकते हो एंड नॉट ओनली अपडेट, आप इसमें चाहो तो क्रिएट पोस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड आई नो अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा एंड दैट इज़ कि जब भी हम डेटा पोस्ट की बात करते हैं वी हैव वन इनपुट फॉर्म राइट, जहाँ पे आपको जो अपडेट करना आप लिखते हो एंड देन गाइस वी हैव समथिंग आवर वन ऐड बटन यहाँ पे ऐड. तो जब भी कोई यूज़र इस कुछ भी लिख के देन ऐड बटन पे क्लिक करता तब वो ऐड होता, तो वो भी आप कर सकते हो. एंड बाय द वे ये अगर तरीका आपको जानना है देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो.
आप देख सकते हो React JS कर्ड ऑपरेशन विथ REST API यूजिंग Axios इन वन वीडियो। तो आप ये कह लीजिए कि टेन स्टैक क्वेरी में हम अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं, इट जस्ट एन अल्टरनेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। या तो आप ये वीडियो में मैंने जो तरीका बताया है विद द हेल्प ऑफ React एंड देन Axios एंड ऑब्वियसली React Router DOM, इधर आप उसके साथ जा सकते हो, या तो आप गाइस ये जो टेन स्टैक क्वेरी है जो हम अभी देख रहे हैं आप इसके साथ जा सकते हो। दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। आप चाहो तो दोनों का भी मिक्सर कर सकते हो, बट इट जस्ट कि अलग अलग तरीका है एंड आपको कौन सा पसंद आता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड बस अब एक या दो हार्डली वीडियो बचा है टेन स्टैक क्वेरी में, देन इट्स डन। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ डाउट हो या कुछ अच्छा लगा हो जो भी हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों को भर भर के शेयर कीजिएगा एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।